अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ हमेशा खैरियत से रहिए, अल्लाह के अमान में रहिए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। सारी मॉम्स को बुलाया गया था स्कूल में स्पा डे के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद हमें रिलैक्सिंग लंच भी सर्व किया गया था, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। लंच बहुत ज़बरदस्त था, आप लोग आगे चल के एंड में देखेंगे। तो ये इनका एम्बियंस लुक था, या इस तरह से उन्होंने सेटअप किया था सारी मॉम्स। एक क्लास के 40 स्टूडेंट्स थे, एक ग्रेड वन के बच्चे हैं और इनकी मम्मीज़ हैं। तो सेशन जो पूरा सेटअप है वो 40 मॉम के लिए है। उन्होंने बहुत अच्छा सा बनाया, इनकी एम्बियंस देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई। और सारी चीज़ें बहुत कैजुअल से चल रही थी। पहले उन्होंने हमें रिलैक्स करके बिठाया, थोड़ी सी स्पीच दी, उसके बाद बच्चों ने एक पोयम पढ़ी और फिर बहुत कुछ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल लाइन बनाकर बिल्कुल मैनर्स के साथ बच्चे अपनी मम्मीज़ के पास जा रहे हैं, फिर बच्चों की थैंक्स गिविंग पोयम, जो कि आप लोग भी सुने हैं। अच्छा, ये सब सरप्राइज था, ये सारी सेटिंग्स और पोयम्स बच्चों ने अपने घर जाके बिल्कुल भी नहीं बताई थी। उसके बाद फर्स्ट सेशन में बच्चों को पहले टॉवल दिया, बच्चों ने टॉवल मम्मा की लैप में रखा, फिर उसके बाद ये फेस वॉश दिया ताकि बच्चे हाथ को अच्छे से क्लीन कर सकें। तो ये फेस वॉश का सेशन है। फेस वॉश के सेशन के बाद सेकंड स्टेप में दिया गया क्लींजर बच्चों को, ताकि वो अच्छे से मॉम्स के हाथों पर क्लींजिंग कर सकें। तो ये क्लींजिंग हो रही है हमारे हाथों की, और ये बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में हो रहा था। सारे बच्चों को वन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दी जा रही थी लाइन बनाकर। और फिर सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में था क्लींजिंग की और स्क्रब। थर्ड स्टेप में हमें स्क्रब दिया, हाथों पे स्क्रब करवाने के बाद ये पानी दिया ताकि स्क्रब से जितना मैल निकला है तो वो सारा मैल धो सकें। तो इस तरह से बच्चों ने हमारे हाथ धुलाए। अच्छा, ये सिस्टम जापान में भी होता है, लेकिन जापान में बच्चों से मॉम्स के पाँव धुलाए जाते हैं। लेकिन आई एम एक्सपीरियंस दिस थिंग फर्स्ट एवर टाइम, और मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे इन लोगों ने छोटा सा गिफ्ट मॉम्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ था, एक बैंड था और उसके बाद एक गिफ्ट था चुन्ना सा। तो ये बैंड बच्चों ने सारी मॉम्स के हाथों में बांधा, सब ने अपनी अपनी मॉम्स के, और फिर उसके बाद बच्चों ने गिफ्ट दिया और बहुत सारी पिक्चर्स ली। बहुत शौक थी क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए गए थे। पहले जब मेरे पास नोटिस आया था, इनविटेशन आया था, तब मैं समझ रही थी कुछ ऐसा ही सेटअप होगा, क्योंकि जो चीज़ मुफ्त में हो तो वो ऐसे ही मिलती है। लेकिन ये बहुत अच्छा था। उसके बाद आप आ जाएँ ड्रिंक सेशन, उसके बाद हमें ड्रिंक सर्व की गई और फिर ये छोटा सा लंच मेन्यू था जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारी वैरायटी थी। और इसके लिए भी उन लोगों ने हमसे कुछ भी चार्ज नहीं किया था। खाने के साथ साथ जो प्रेजेंट करने का आइडिया था, टेबल सेटिंग थी, वो भी बहुत ज़बरदस्ती में, बहुत इम्प्रेस हुई। इसके लिए भी उन्होंने हमसे कुछ भी चार्ज नहीं किया था, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। मिठाइयाँ रखी हुई हैं, ये स्नैक बॉक्स जिसमें बहुत सारे स्नैक्स रखे हुए थे और फिलिंग्स थी, आप उसमें लगा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पानी पूरी भी मिल रही थी। और खाने की टेबल में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि रैप था। रैप के बाद इन्होंने एक सीख कबाब को बहुत अच्छे से असेंबल किया हुआ था। ये सीख कबाब रखे हैं, उसके ऊपर उन्होंने चेरी लगाई हुई है। तो ये मुझे असेंबल करने का बहुत अच्छा आइडिया लगा कभी हाई टी पार्टी में, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये टॉर्टिला स्ट्रैप्स रखे हुए हैं की फिलिंग क्रिस्पी चिकन से की गई थी। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि मेरे ड्राफ्ट में कई दिनों से पड़ी हुई थी, लेकिन जो अभी ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ और स्पेशली बच्चों के साथ जो हो रहा है, उसके बाद इसकी वॉइस ओवर करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। सबको भी अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान से दब